वाराणसी असरा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनारस में पहली बार एक रियलिटी शो रियल हीरो का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में प्रिंस हसन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी विनर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वो ग्रूमिंग क्लासेस की चार्जेस होती है, लेकिन वो अभी डिसाइडेड नहीं, डिपेंड्स करते हैं कि ग्रूमिंग क्लासेस जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से। कई शो अच्छे हुए हैं जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिले की बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो फीमेल शो का नहीं है, 25,000 रुपया नहीं है कि दिल्ली में आपको शो में ले जाऊँगा, यहाँ पर शो कराती वहाँ पर पैसा लेती है। इस तरह के जो शो हो रहे हैं उस शोबाजी से अलग आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, बेसिकली आपने जो बोला कि जो बंदे होते हैं बाहर के शो के लिए पैसे लेके उनको लेके जाते हैं, उसका शिकार मैं भी बन चुका हूँ। आपने 25,000 की बात की, मैं लाखों रुपए बर्बाद कर चुका हूँ। तो यही मेरा मेन मोटिव था कि हमने बनारस शहर में जो भी कैंडिडेट्स इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको एक अच्छा रास्ता मिले, उनको ये सब चीज़ें से जो भी वहाँ पे फेल चीज़ें बनी हुई है कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे। आपका पर्चा बता दें। मैं साकिब भाई, साकिब भाई जो असरा इंटरप्राइज और जो रियल हीरो का ऑडिशन किया जा रहा है बनारस में, क्या मकसद लेके आए हैं? असरा एंटरटेनमेंट कंपनी है जो कि कई वर्षों से मॉडलिंग शो करा रहा है और जो भी मॉडलिंग शो निकाल लेते हैं उनको जो है प्लेटफॉर्म मिला आ रहा है। तो आज असरा एंटरटेनमेंट जो है नया कुछ लेकर आया है बनारस की जनता के लिए, जो बनारस के हुनर लोग हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें कि अलग अलग तरीके से उनके अंदर टैलेंट क्या है उनका टैलेंट निखार करके उनको मंच साझा देगा और मंच से वो दुनिया का जो है अपनी जगह दिखाएंगे दुनिया में और बनारस का भी नाम रोशन करेंगे। शक्के में सवाल होता है कि बनारस में काफ़ी कलाकार यहाँ पे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, क्या असरा एंटरटेनमेंट उनको प्लेटफॉर्म देगा? देखिए, जितनी क्षमता है असरा एंटरटेनमेंट क्षमता अनुसार जितना भी वो कर पाएंगे करने की कोशिश है। जैसे आपके सामने अभी एक वीडियो में दिखाया गया कि आप ऐसे तो दिल्ली और मुंबई वगैरह में देखते हैं लेकिन यूपी वगैरह में अभी आपने देखा नहीं होगा, तो लोगों की ललक होती है कि हम भी ऐसे जो टैलेंट है अपने अंदर के उसको निखार करके हम मीडिया के सामने लेके आए ताकि हमें भी मुंबई से ऑफर आए, सिनेमा से ऑफर आए, ताकि हमारा जो बनारस है, जो बनारस से टैलेंटेड लोग हैं वो दुनिया में दिखाए। साकिब भाई, बंदा विनर बनेगा वो हर दिन आगे जाता रहेगा। इस शो को टास्क बेसिस के करने के बाद इसके जो मेन बंदा होगा उसको टाइटल मिलेगा रियल हीरो जो कि छोरा गंगा किनारे वाला है। उसके बाद हम करेंगे ग्रैंड फिनाले जिसमें हम तीन टाइटल निकालेंगे, मिस्टर, मिस एंड मिसेस, जिसमें हमारे स्टार ऑफ बनारस। एक्टिविटीज रियलिटी बेस्ड शो पे होगी, जैसे आप, मैं रिवील तो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कॉपीज बहुत तेजी से होता है ये चीज़ें। एक जो एक्टिविटीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह की कंटेनर होगा जिसमें मॉडल जाएगा अंदर, उसमें कुछ एनिमल्स होंगे जिस लाइक रैट, चूहा होगा, उसमें बॉल्स होगी, उसमें से उनको निकालना होगा, उसमें फेयर देखना है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितना जज्बा है, वो क्या कर सकते हैं। वी आर सचिंग द रियल हीरो। मॉडल बनना, हीरो बनना, लोग सोचते हैं कि एक्टिविटी कर लिया, एक्टिंग कर लिया, हीरो बन गए, लेकिन जो ये कराने का मेन मुद्दा हमारा रियल हीरो का है कि बंदे के अंदर परखना है कि वो उनके अंदर क्वालिटी क्या है, उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, गरीबों के साथ में क्या किया, अपने बनारस के लिए क्या किया है, वो करना क्या चाहते हैं, उनके अंदर रियल हीरो की क्वालिटी है, क्या वो रियल हीरो बन सकते हैं, क्या समाज में वो क्या एक संदेश देना चाहते हैं। एक सवाल है जो मेरा नाम प्रिंस हसन है, मैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी लास्ट ईयर 2022 में वियतनाम में वहाँ पर मैं विनर बना था। और इस ये रियल हीरो का क्या मतलब लेके आए? रियल हीरो का मतलब बेसिकली ये कि हम बनारस की पब्लिक में रियल हीरो खोज रहे हैं इस बार बिल्कुल यूनिक तरीके से। हीरो सब अपने लाइफ में होते हैं लेकिन जो ये हीरो बन के आएंगे वो मे भी हो सकता है वो बहुत आगे चले, एक पेजेंट के थ्रू, एक रियलिटी शो के थ्रू उनको एक नाम मिलेगा और हम एक बनारस को एक सच्चा हीरो मिलेगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। जैसा कि अभी आपने बताया कि क्या क्या एडवांटेज होंगे, जैसा आपने बताया ना कॉपी होता है, क्या ऐसा लगता है कि ये फियर एंड फैक्टर का कॉपी है ये? सर देखिए, फियर एंड फैक्टर की कॉपी नहीं है ये हमारा क्या है कि बनारस लेवल पर अगर हमने इस लेवल को सोचा है तो यहाँ तक सोचने के लिए बहुत लोगों को सोच चाहिए, राइट?
मैं बनारस का हूँ और बनारस को इस लेवल पे प्रमोट करना चाहता हूँ कि लोग सोचें कि हाँ बनारस में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए इस बार जो हम लोग ने किया है बहुत डिफरेंट किया है और जो हमारी टीम है बहुत अच्छी टीम होती है, सब सपोर्टिव होते हैं। बात की जाए इसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं? इसमें भाग जो एज लिमिट मैंने रखा है 18 to 55 years रखा है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डिसेबिलिटी गोरा काला कुछ भी मोटा पतला। बेसिकली लोग सोचते हैं कि हम मोटे हैं मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, हम काले हैं मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम रियल हीरो खोज रहे हैं, रियल हीरो कोई भी हो सकता है। किस तरीके से एंट्री होगी इसमें? पहले हम ऑडिशंस कराएंगे, ऑडिशंस के बाद उसमें हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, उनके अंदर की कैपेबिलिटी चेक करेंगे कि वो कितना कैपेबल है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद उनको हम ग्रैंड फिनाले में लेके जाएंगे। ऑडिशन का बनारस की जनता से, सर बनारस की जनता से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में भी है दम तो आपको मौका दे रहा है एस्ट्रो एंटरटेनमेंट्स, हीरो गंगा किनारे वाला, कोई भी हो हीरो बनिए और अपना देश में अपने बनारस में आप नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए। सर ये ऑडिशन कब से शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा? ऑडिशन हम स्टार्ट करेंगे अगस्त की फर्स्ट वीक से, थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, ये 3-4 ऑडिशंस करेंगे क्योंकि हमें रियल हीरो खोजना है, ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी उठा के ये ट्रॉफी देना है। ये कहाँ कहाँ ऑडिशन होगा? ऑडिशन ये बनारस में ही होगा और बनारस से ही हम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे।